नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट टाइप लर्निंग पर। दोस्तों कंपार्टमेंट को लेकर अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है उससे बात करने वाला हूं, और साथ साथ दोस्तों आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें शेयर की है। दोस्तों कंपार्टमेंट कैंसिलेशन को लेकर निधि तनेजा मैम का एक ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं विवेक तनखा सर, जो हमारे केस को हैंडल कर रहे हैं, तो उनके ट्वीट में दोस्तों उसमें यही लिखा था कि व्हेनेवर हियरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, नेक्स्ट आई विल रिक्वेस्ट द कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू ट्राई एंड सेव ईयर लॉसेस ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कि उन्होंने कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने गवर्नमेंट से कि ये पीएल फाइल जो हुआ है उसका मतलब कि डिसीजन कब आएगा, उसकी हियरिंग की डेट कब होगी। तो इसी को लेकर हमारी निधि तनेजा मैम ने दोस्तों एक रिक्वेस्ट करी थी कि बच्चों का एक साल पूरा खराब हो रहा है, इसको लेकर यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब दोस्तों आगे जो बात करूंगा दोस्तों बहुत रियलिटी है, मतलब कि रियलिटी है हम सीबीएसई की गवर्नमेंट की, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सबसे पहले दोस्तों सीबीएसई ने देखो क्या कहा था, सीबीएसई ने कहा था कि 2 महीने के अंदर हम एग्जाम ले लेंगे। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन जब जारी किया था तब कहा था कि हम अपने एग्जाम ले लेंगे, ये एग्जाम लेना बहुत जरूरी है, हम बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते। और उन्होंने दोस्तों दूसरी बात ये कही थी कि हम 2, 3, 4 या 5 जो मार्क्स कंपार्टमेंट आए हैं उनको हम ग्रेस नहीं दे सकते, ये हमारे लॉ के खिलाफ है। हम मतलब कि ग्रेस नहीं दे सकते, बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते, और बच्चों के भविष्य को लेकर एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। सीबीएसई ने दोस्तों ये चाल खेली थी। अब दोस्तों सीबीएसई इतना मतलब कि गिर सकता है, मुझे नहीं पता था कि एकेडमिक कैलेंडर को लेकर उन्होंने मतलब कोई भी नोटिस जारी नहीं किया, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि 10th का स्टूडेंट किस किस क्राइटेरिया से स्टडी करेगा 11th की, और कैसे कॉलेज का एडमिशन लेगा। कॉलेज के एडमिशन को लेकर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं वही अप्लाई है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है 90% कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो मतलब कि बहुत ही कम चांस है जो कि एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। अभी दोस्तों क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट है जिसके केमिस्ट्री में दोस्तों 3 नंबर से कंपार्टमेंट है, लेकिन उसने जेई के एग्जाम उसने क्लियर कर लिया और उसके 75% के तहत उसके अच्छे मार्क्स भी आए हैं, और उसके कॉलेज के जो कॉलेज रिक्वायरमेंट है एडमिशन को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें मतलब कि 12th की मार्क्सशीट जरूरी है पास आउट। अब देखो अब उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, मतलब कि उसके पास अब 12th का रिजल्ट ही नहीं है, तो अब मतलब कि क्या पॉलिसी है। सीबीएसई ने कहा था कि 2 महीने में एग्जाम ले लेगी, लेकिन सीबीएसई अब तक एग्जाम ही नहीं ले पाई, और अगर अब एग्जाम लेगी फिर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी रिजल्ट जारी करेगी तब तक तो उस बच्चे का क्या होगा। मतलब ये बातें तो कम से कम न्यूज़ रिपोर्टर को उठाने चाहिए, ये बातें तो कम से कम पॉलिटिक्स को करनी चाहिए कि सीबीएसई इस तरीके से कैसे गिर सकता है, कि कैसे इस कंडीशन में जहाँ पे दोस्तों 95,000 कोरोना केसेस है कैसे एग्जाम ले सकता है, मतलब कि कुछ भी दिमाग नहीं है। कम से कम सरकार को तो इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों बहुत गंदी राजनीति खेली गई है स्टूडेंट्स को लेकर। अभी दोस्तों पता है क्या हुआ था कि नीट के एग्जाम हुए थे, और नीट के एग्जाम अभी जैसे हो रहे हैं, तो उसमें दोस्तों एक स्टूडेंट है जो दोस्तों 250 से 300 किलोमीटर का सफर करके एग्जाम देने गया। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट वो लेट एग्जाम सेंटर पहुंचा और उसको एग्जाम देने नहीं दिया। मतलब कि यार कितनी शर्म की बात है कि जो स्टूडेंट 300 किलोमीटर का सफर करके एग्जाम देने गया है नीट का और उसको एग्जाम नहीं देने दिया सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचने पर। मतलब कि यार इस पे तो कुछ कदम उठाने चाहिए, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए, कुछ तो पॉलिसी निकालना चाहिए। और दोस्तों अभी फिर एक बार ऐसा ही एक और खबर आई है कि एक स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ गए थे एग्जाम सेंटर, कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी पे सेंटर था, सेंटर गए पेरेंट्स दोस्तों गेट के बाहर ही खड़े रहे। मतलब कि पेरेंट्स के लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना कि इस महामारी में कम से कम उनको कोई रूम प्रोवाइड कर दे, कोई ठहरने के लिए कोई जगह प्रोवाइड कर दे, मतलब कि अंदर बिठा ले, मतलब कि चेयर वगैरह कुछ तो प्रोवाइड करना चाहिए ना। मतलब कि जो पेरेंट्स 200 किलोमीटर का सफ़र करके अपने स्टूडेंट का एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर में गया है उनको लेकर भी कोई सिक्योरिटी नहीं, उनको गेट से बाहर खड़ा होना पड़ रहा है यार। मतलब कि शर्म है, शर्म भी नहीं आ रही है ऐसे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट किस तरीके से क्राइटेरिया से ले रही है। दोस्तों सच में कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। आपके पास ज़्यादा समय बिल नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, और इसमें इफेक्टिवली स्टडी करो। तो रिक्वेस्ट है कि अपने साथ साथ स्टडी करते रहिए, जो कुछ भी होगा केस को लेकर इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा, और अगर कैंसिल होते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ आप सोच नहीं सकते क्योंकि बहुत गेम खेला गया है आपको लेकर। आपके लिए यहाँ पर बहुत गेम खेला है, मतलब कि पॉलिटिक्स की फुल राजनीति चली है कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा यार।